कोरोना से क्या है रोना, हर पल सीखो जीना। आप भी भेज सकते हैं हमारे पास अपनी वीडियो। सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कुछ मैसेज देना चाहते हो? सुबह से शाम तक घर में अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं। सुबह बच्चों को योगा अभ्यास कराते हैं। सभी एक साथ खाना खाते हैं। सुबह भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारे देश में और देशों की तरह इतना कुछ नहीं हुआ, जो हमारा देश अभी सुरक्षित है। दोपहर को राष्ट्रभक्ति और धार्मिक टीवी प्रसारण देख रहे हैं। शाम को एक साथ भगवान की पूजा आरती करते हैं। शाम को सभी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। बच्चों को कुछ बचपन के बारे में बताते हैं? बच्चों को तो सुबह हमारे बच्चे हमारा रोज चरण स्पर्श करते हैं, हमको बड़ी खुशी होती है। इसका कारण भी ये है, हम भी ऐसा करते थे। हम सभी परिवारजनों को या सभी लोगों को ये बिल्कुल एक मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों को बताओ, सुबह सुबह भगवान की प्रार्थना कर, भगवान को धन्यवाद देकर अपने चरण स्पर्श कराएं, उनको याद दिलाएं, अगर भूल जाए तो उनको बताएं। ये दैनिक रोज ऐसा होना चाहिए, ये दिनचर्या में ही होना चाहिए। पत्र दिया गया है और भगवान कृष्ण के पास पहुंचा है। और जहां तक हो सके जिनको आवश्यक हो उनको भोजन की व्यवस्था कराएं, जैसे दाढ़ी मजदूर हैं। तो आप इस टाइम करा रहे हैं? कराते हैं, कोशिश करते हैं और आज करवाए। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक हम लोग लूडो खेल रहे हैं इस समय। गनु, पीयूष, हाय, आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं? चलो, मैं अपना टाइम स्पेंड अपने दादा दादी के साथ करता हूँ। उनके साथ कथा सुन, ग्रीट, उनके साथ कथा सुन के, मम्मा पापा फूफू बुआ के साथ, उनके बचपन के एक्सपीरियंस और उनकी शादी की वीडियो देख के। और आप देखो गलत चल रहे हो। और बोल, और रात में दादा दादी के पास बैठ के उनके बचपन के बारे में, उनकी उनके बारे में सुनना लोग अच्छा लगता है। इस तरह और सब बैठ के हम लूडो खेलते हैं साथ में। ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हो आप? और मजा आ रहा है फैमिली में टाइम स्पेंड करके? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। किचन में हेल्प कराते हो नीरज जी आप? हाँ बिल्कुल, अब तो यही काम रह गया। हम भी कराते हैं। आप भी कराते हो? मैं बनाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप भी कराते हो? हाँ। चलो, आप कुछ कहना चाहोगे नीरज जी? दो, जैसा कि कोरोना वायरस इस समय चल रहा है तो